गाइज वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ हाउ टू मेकअप. और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आप सिर्फ 3 कलर से आई शेडो लुक क्रिएट कर सकते हो, क्या होता है ट्रांजिशन शेड, कौन सा कलर आपको कहाँ लगाना चाहिए. ये सारी बातें हम करेंगे आज इस वीडियो में. सो चलिए शुरू करते हैं. पैलेट जो आज मैं यूज कर रही हूँ वो है ये है रिवर्सल प्लैनेट आई शेडो पैलेट ब्यूटी ग्लेज का. आप कोई भी आई शेडो पैलेट ले सकते हैं जिसमें मैट शिमर्स दो टाइप के एटलीस्ट शेड्स हो, तो आप ये ले सकते हो. या फिर अगर आपको छोटे में चाहिए तो आप इस तरीके का भी पैलेट ले सकते हो जिसमें मैट और शिमर शेड्स दोनों मिल जाते हैं आपको. तो बेसिकली हमको मैट और शिमर्स चाहिए. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ आईज की. सबसे पहले आ जाती है हमारी क्रीज. सो जो आपको गड्ढा दिख रहा है ना मेरी आई पे ये वाला, या जहां पर आपकी आई फोल्ड होती है उसको हम कहते हैं क्रीज. और वहीं पर हम लगाते हैं हमारा ट्रांजिशन कलर. क्या होता है ट्रांजिशन कलर वो मैं आपको बाद में आऊंगी, अभी हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ आईज की. देन होता है आपका आउटर वी, यानी कि ये जो वी शेप बन रहा है ना मेरा आईलिड पे, इसको हम कहते हैं आउटर वी. हाफ पोर्शन से अगर हम मेरी पलके जहां खत्म हो रही है वहां तक आ जाए तो ये होता है मेरा आउटर वी. और फिर होता है मेरा इनर वी जो कि हाफ पोर्शन से मेरे सेंटर तक है, मेरे आईलिड आई जहां खत्म हो रही है यहां पर, इसको हम कहते हैं इनर वी. एंड ये हो जाएगी हमारा इनर कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है एक, और अंदर की तरफ है नाक को फेसिंग है तो एक कॉर्नर बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनर कॉर्नर. देन आ जाते हैं हमारे ब्राउ बोन पे. तो ये हड्डी छू के देखो आप, इस हड्डी को हम कहते हैं ब्राउ बोन, जो कि ये निकली हुई है इस हड्डी को कहते हैं हम ब्राउ बोन. एंड देन आ जाती है हमारी आईब्रोज. मैंने अभी तक आईब्रोज फिल इन नहीं करी है, वो हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं. उसके बाद आ जाता है हमारा लोअर लैश लाइन, या फिर ये वाला एरिया जहां पर हम और थोड़ा सा आई शेडो अप्लाई करते हैं. सो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी आई को स्ट्रक्चर मिलता है. अगर आप लोअर लैश लाइन अपना नहीं कंप्लीट करोगे तो आपकी आई थोड़ी सी कंप्लीट, थोड़ी सी मैह टाइप की लगेगी. बट हाँ, तो ये हो गई मेरी लोअर लैश लाइन. ये हो गई अपर लैश लाइन जहां पर हम लाइनर लगाते हैं या फिर अपना आई लैश अप्लाई करते हैं. सो ये हो गई अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन. सो ये तो हो गए पार्ट्स ऑफ आईज. इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं कौन सा कलर कहाँ आता है. तो सबसे पहली चीज जो मैंने पहले छोड़ी थी वो है ट्रांजिशन शेड. क्या होता है ट्रांजिशन शेड? आईलिड्स पे हम कुछ कलर्स अप्लाई करते हैं, ब्राउ बोन पे कुछ हाइलाइटिंग शेड्स अप्लाई करते हैं. सो अगर मैं कोई बीच का कलर, ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच का कलर, अपने क्रीज में अप्लाई नहीं करूंगी तो सब कुछ बहुत डिस्टिंक्ट लगेगा, ब्लेंडेड नहीं लगेगा, और लगेगा जैसे ऐसे बच्चे ने कहीं भी कलर लगा दिए हैं. जब आप पेपर पे भी ड्राइंग करते हो ना, शेडिंग करते हो, सो डार्क से लाइट की तरफ जाते हो, राइट? सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है. जो भी आपका आईलिड पे काम चल रहा है उससे आपको ब्राउ बोन की तरफ जाना है. सो डार्क से लाइट की तरफ ही यूजली हम जाते हैं. हम डार्कर शेड्स यूज करते हैं अपने आईलिड्स पे, या जो भी लाइट शेड्स भी यूज कर रहे हैं अगर, तो उससे भी और लाइट शेड्स हमारे क्रीज में जाते हैं और एकदम लाइट शेड हमारी ब्राउ बोन पे जाता है या फिर हाईलाइटिंग शेड जाता है. सो वो जो शेड जो आपके आईलिड कलर और आपके ब्राउ बोन को मिक्स करने में हेल्प करता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन शेड, ठीक है. उसके बाद हमारे आते हैं शिमर या फिर सैटिन शेड्स. वो कलर होते हैं जिनमें हल्का सा शाइन होता है, हल्का सा शिमर होता है, वो हो जाते हैं हमारे शिमर शेड्स या फिर सैटिन शेड्स. लास्ट आ जाते हैं हमारे मैट शेड्स जिनमें कोई भी शाइन नहीं होता, वो हमारे मैट शेड्स हो जाते हैं. एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है ये कि क्रीज में जब भी आप ट्रांजिशन कलर यूज कर रहे हो वो कभी भी शिमर शेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बहुत गंदा लगता है. हमेशा एक मैट शेड आप अपने क्रीज के लिए चूज कर सकते हैं. ट्रांजिशन कलर्स कैसे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप आईलिड पे कौन से कलर्स यूज कर रहे हो. आपके ट्रांजिशन कलर्स लाइट होने चाहिए, तो आप इस तरीके के मॉव शेड यूज कर सकते हो ट्रांजिशन के लिए. अगर आप थोड़ा पिंकी टोन में आईलिड पे काम कर रहे हो, इस टाइप के ब्राउन टोन यूज कर सकते हो अगर आपका आईलुक जो है थोड़ा ब्राउन टोन में है. इनफैक्ट आप ब्लू कलर को भी ट्रांजिशन शेड यूज कर सकते हो अगर आपका होल लुक जो है वो ब्लूइश टोन में है. सो बेसिकली दीज काइंड ऑफ कलर्स, जैसे ये पीच है तो आप पीच आई लुक कर रहे हो तो इसको आप ट्रांजिशन की तरह यूज कर सकते हो. मॉव कर रहे हो तो इसको मॉव या पिंक, तो आप इसको ट्रांजिशन की तरह यूज कर सकते हो. ब्राउन किट के लिए आप इस टाइप के कलर्स को यूज कर सकते हो. सो ये तो हो गए हमारे ट्रांजिशन शेड्स. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी कलर्स को यूज करो, येलो भी यूज करते हैं लोग, ऑरेंज भी यूज करते हैं. एज लॉन्ग एज कि आप उनकी इंटेंसिटी को कम रखो, आप ट्रांजिशन में कोई भी कलर यूज कर सकते हो. अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सिर्फ 3 कलर्स यूज करके एक आई लुक आज क्रिएट करूंगी. सो हम बहुत ही बेसिक सा लुक क्रिएट करने वाले हैं. तो मैंने अपने आईलिड्स पे ऑलरेडी कंसीलर अप्लाई कर लिया है. आपको अगर नहीं पता है तो हम एक डिटेल्ड वीडियो उसके ऊपर करेंगे बाद में कभी. फिलहाल तो है मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आप किस तरीके से आई शेडोज यूज कर सकते हो. सो मैंने ऑलरेडी कंसीलर अप्लाई कर लिया है अपने आईलिड्स पे, अच्छे से उसको पाउडर से भी सेट कर लिया है. मैं जो आज लुक क्रिएट करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा पिंक लुक है, तो मैं एक पिंक कलर जो है अपनी क्रीज में डालना पसंद करूंगी उसके लिए. एंड उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाला मॉव वाला जो शेड है, ये
इसका नाम स्कारलेट है, इसको मैं अपने ब्रश पे लूंगी एंड अपने आई की क्रीज में अप्लाई करूंगी, यानी कि ये जो आई सॉकेट आपको दिख रहा है ना, ये वाली लाइन यहाँ पर, इस तरीके से मैं इसको अपने आईलिड में अप्लाई करूंगी। आपको नहीं समझ आ रहा ना कि आपकी क्रीज कहाँ है, तो ब्रश आप अपना पोक करिए, जो आपको लाइन मिलती है ना इस तरीके से, यही आपकी क्रीज है। सो ब्रश पे मैंने ले लिया है, एक्सेस को आप टैप ऑफ कर लीजिए क्योंकि ट्रांजिशन कलर आप हमेशा चाहोगे थोड़ा सा हल्का ही हो। और उसके बाद अपनी क्रीज में पहले आप इसको थोड़ा सा डिपॉजिट करिए कलर को, और उसके बाद सेम ब्रश को ही आप इस तरीके से ब्लेंड करने के लिए मूव करिए। थोड़ा सा क्रीज जो है उसके ऊपर इसको अब ब्लेंड करिए, जिससे कि एक फेदर्ड लुक आए। यू नो हमने जो भी कलर था वो तो अब डिपॉजिट हो चुका है, अब आप चाहते हो कि जो कलर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए मेरी ब्राउ बोन के साथ में, तो आप क्या करोगे, इसको अब थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ में लेके जाओगे, क्योंकि अब आपके ब्रश पे तो कुछ है नहीं, जो भी कलर है अब आप उसको सिर्फ शेड कर रहे हो। उसके बाद में इसी ब्रश को जो कुछ भी कलर है लूंगी, और अपने जैसे आप लाइनर लगाते हो उसी तरीके से आपको ब्रश को मूव करना है, तो एक आप देखोगे एक वी टाइप का बन जाएगा। अगर आपकी हुडेड आईज है, यानी कि जब आप अपनी आईज खोलते हो और आपको दिखता नहीं है आई शेडो, तो आप हमेशा अपने जो क्रीज का कलर है उसको ब्राउ बोन तक लेके जाइए, जिससे कि वो कलर आपकी आई जब आप ओपन करो तो वो दिखे। इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे आउटर वी में, और वहां पर आपको हमेशा एक डार्क मैट कलर अप्लाई करना है कोई भी। अगर आप सपोज ये पिंक लुक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पर एक ब्राउनिश या पिंकी अंडरटोन वाला कोई ब्राउन या फिर मरून कलर अप्लाई करूं। अगर आप येलो यूज कर रहे हो तो प्रॉबेबली आप डार्क येलो या डार्क ऑरेंज या उस टाइप का, या मरून या रेड कलर अप्लाई करोगे, जो भी उसके साथ जाता है। क्योंकि मुझे पिंक लुक चाहिए और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा एक स्मोकी लुक आए, तो उसके लिए आप चाहो तो इनफैक्ट ब्लैक भी यूज कर सकते हो, बट ब्लैक थोड़ा सा हार्श हो जाता है, उसको हम बाद में लेकर आएंगे। बट आज सिर्फ 3 आई शेडोज है, तो आउटर वी में अप्लाई करने के लिए मैं थोड़ा सा ये डार्क पिंक कलर लूंगी, ये वाला, और मैं एक पेंसिल ब्रश ले रही हूँ और इससे जो है अपने आउटर वी में इसको डिपॉजिट करूंगी, क्योंकि मुझे चाहिए कलर जो है कॉन्सेंट्रेटेड रहे मेरे सिर्फ आउटर वी में। बाद में हम उसको फेदर आउट करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम एक पेंसिल ब्रश से उसको सिर्फ अपने आउटर वी में डिपॉजिट करेंगे। अच्छे से ब्रश को डिप कर रही हूँ इसमें, एक्सेस को टैप ऑफ कर दूंगी, और उसके बाद सिर्फ अपने आउटर वी में इसको डिपॉजिट करूंगी। इनफैक्ट मैं वी ही बनाती हूँ पहले हमेशा, इस तरीके से आउटर वी में। एंड जो आपने उसके बाद क्रीज के लिए ब्रश लिया था उसी से इसको अच्छे से फेदर आउट कर दीजिए, अपनी क्रीज में थोड़ा थोड़ा लेकर जाइए, किनारे से स्टार्ट करके सिर्फ क्रीज में रखना है इसको और कहीं नहीं लेके जाना है। मैं ब्रश को लिटरली टच कर रही हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा फेदर आउट हो जाए ऊपर की तरफ में, और फिर से आउटर वी ये इस टाइप का ब्लेंडिंग मोशन यूज करके इसको अपने ब्राउ बोन तक लेके जा रही हूँ, वो एक यू नो कैट आई लुक के लिए, आपको क्लीन ना करना पड़े उसके बाद। सो इसको अभी हम यहीं छोड़ देंगे, वापस आएंगे इसके पास, बट जो लिड पे अभी स्पेस रह गया है वहां पर हम पहले फोकस कर लेते हैं। सो मैं यूज कर रही हूँ एक शिमर शेड, जो कि थोड़ा सा उसी अंडरटोन में है जिसका मैंने मैट शेड लगाया था, ये वाला शेड है ये, दिस इज कॉल्ड रूबी, और रूबी को मैं अपने आई लिड पे जो खाली जगह रह गई वहां पर अप्लाई करूंगी। शिमर शेड से यूजली फॉल आउट होता है, तो या तो आप बेक करके फिर अपना आई करिए, या फिर बाद में थोड़ा सा पाउडर लेके इस तरीके से डस्ट ऑफ कर दीजिए। उसके बाद हम वापस से आउटर वी में जाएंगे, सेम शेड प्रून लेंगे अपने ब्रश पे, पेंसिल ब्रश पे ले रही हूँ, और उसको वापस से वहां पर डिपॉजिट करेंगे, जिससे कि अब हमें पता है कि हमें कितनी इंटेंसिटी चाहिए वहां पर। सो इसको मैं अब अप्लाई करूंगी आउटर वी में। और वापस से वो फ्लफी ब्रश लूंगी और इसको थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी। उसके बाद लोअर लैश लाइन पे मैं सेम पेंसिल ब्रश ले रही हूँ, इसमें जो भी कलर बचा हुआ है अभी वो अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूंगी। कैसे मैंने पेंसिल ब्रश क्यों चूज किया, क्योंकि ये पॉइंटेड होता है, तो आप आराम से इसको अपनी लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर सकते हो। मैं अपने फ्लफी ब्रश पे स्कारलेट ले रही हूँ, एक्सेस को टैप ऑफ किया और इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे जैसे हार्श ना लगे।
उसके बाद बिना काजल जो है आई लुक कंप्लीट नहीं लगता, तो मैं एक जेल काजल ले रही हूँ, स्विस ब्यूटी का जेल काजल है ये, और इससे मैं एक विंग ड्रॉ करूंगी और थोड़ा सा अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूंगी। इस लुक को आप थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर आउटर वी में डिपॉजिट कर सकते हो, एक बढ़िया स्मोकी आई लगेगा विद बर्गंडी कलर्स। इस जेल आईलाइनर के साथ में ब्रश भी आता है, सो मैं उसी का ब्रश यूज करूंगी आज। और इसी को मैं थोड़ा सा अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूंगी। वापस से वो बर्गंडी शेड ले रही हूँ और इसको अच्छे से और ब्लेंड करूंगी। लुक को कंप्लीट करने के लिए इनर कॉर्नर्स में एक हाईलाइटर शेड जरूर अप्लाई करिए। आप कोई भी हाईलाइटर यूज कर सकते हैं जो आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो। सो मैं यूज कर रही हूँ इस सिवाना कलर का ऑब्सेशन पैलेट, इसका ये जो सेंटर में हाईलाइटर शेड है इसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स में अप्लाई करूंगी। इसके बाद सेम हाईलाइटर शेड को मैं अपने ब्रश पे ले रही हूँ और अपने ब्राउ बोन पे भी अप्लाई करूंगी। तो मैंने अपने आईब्रोज नहीं करी है जो कि मैं अब करूंगी, और ब्राउ बोन पे अप्लाई करने के बाद जो मेरा ब्लेंडिंग ब्रश था उसी से मैं इसको थोड़ा सा और ब्लेंड आउट कर लूंगी। आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ हिलरी रोडा का ये आईब्रो ड्राइंग। आप कोई भी आईब्रो पाउडर, पैलेट, पेंसिल, जो भी आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, वो यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके बाद मस्कारा लगा के इसको छोड़ सकते हैं, फॉल्स लैशेस भी यूज कर सकते हो, एंड आई थिंक फॉल्स लैशेस यूज करके जो है लुक नेक्स्ट लेवल चला जाता है। सो मैं फॉल्सीज ही यूज करूंगी आज, एंड आपको अगर आइडिया नहीं है फॉल्स लैशेस कैसे लगानी है तो मैंने एक वीडियो किया था, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, तो आप वो देख सकते हो फॉल्स लैशेस कैसे अप्लाई करनी चाहिए। मैं यूज कर रही हूँ ये फॉल्स मिंक लैशेज है, मिंक नहीं है, रियल मिंक नहीं है, फॉल्स मिंक लैशेज है, और मैं यूज कर रही हूँ जो ग्लू वो है आई का ये ग्लू। सो आई लैशेज मैंने अप्लाई कर लिया, दूसरी आई भी मैंने फिनिश कर लिया, एंड दिस इज हाउ द मेकअप लुक्स लाइक। सो ये था 3 आई शेडो आई लुक फॉर बिगनर्स। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो, सिंपल लगा हो, तो आप जो है कलर्स को स्विच अप करके भी ट्राई कर सकते हो। जो कलर्स यूजली ना ड्राइंग्स में काम करते हैं साथ में, वही कलर्स आपके आईलिड पे भी काम करेंगे यूजुअली। सो या विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये एपिसोड 2 ऑफ हाउ टू मेकअप आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।